ठीक है कोई बात नहीं। कभी बोल दिया लो सर समन ने ना सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड नोट लिखा था ना उस बंदे ने, तो वो भी दिखा देती हूँ ना मैं आप लोगों को। लो लो समन ने सुसाइड नोट में सबका नाम लिखा हुआ है, देखो मैं तो मेरे को क्यों लग रहा है कि आप आपको समर की मम्मी ने कुछ ना कुछ करके दिया है तो आप मेरे खिलाफ हो गए हो, जबकि आपको सच का साथ देना चाहिए। आपको दिख रहा होगा या बात करने से पता चला कि मैं सच्ची हूँ और वो जो भी कर रही है ना तो वो सही नहीं है। तो इनको आ गई मैं घूमूं यहाँ से। क्या हुआ, क्यों बुलाया था, किस लिए बुलाया था, क्या हो गया? जो वो पुलिस वाला है ना, हाँ वो सारा इल्जाम मेरे पे मार रहा था। क्यों, आपने तो पुलिस को फोन करके बुलाया था। पुलिस वाले का फोन, हाँ तो पुलिस वाला ये कह रहा है कि वो जो पंडित है ना उसने आपका नाम लिया, सारे सबूत ना आपके खिलाफ। अच्छा मेरी तो बहुत भैंसा बात हुई पुलिस वाले से। अच्छा और समर की मम्मी क्या बोल रही थी? समर की मम्मी कह रही अब अपने ऊपर बात आई तो अच्छा लग रहा है सर, किया जरा खुद का और नाम लगाओ दूसरे पे, अब शर्म नहीं आती उन्हें। मैंने ये बोला कि मेरे को सबूत चाहिए भाई, पुलिस वाला तो मेरे को सबूत तो देगा, मेरे को बुला रही थी ना। मैंने खुद ही बहुत ऐसा कर दी उस पुलिस वाले की, कम दिख रही मैं तेरे को। मैंने उसको बोला, मैंने कहा पहले मेरे को सबूत दे। बीच में समर की मम्मी बोल रही है बार बार कि अपने ऊपर बात आई तो ये बात होगी, अपने ऊपर बात तो खुद के ऊपर आई है तभी तो इतनी वो फड़फड़ा रही है। हाँ कि हम करे तो ये बात और तुम करो तो सबूत मांग रहे हो, तो मैंने कहा बिल्कुल मांगू, मैंने किया ही नहीं है तो मैं कैसे मान जाऊँ। जो हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्या कर, हम उसमें करेंगे क्या? आपको नहीं, आपके खिलाफ है सारे सबूत आपके खिलाफ है, आपको पुलिस लेडीज पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसी लेके जाएगी, फिर कह रहे बोल देती ना इतने जब कि इतना आत्मविश्वास से कह रही थी कि हाँ इसकी माँ ने किया, तो तुम बोलती एक सबूत दिखा दो मुझे। मैंने यही तो बोला, एक सबूत दिखा दो मेरे खिलाफ। मैंने बोला तो जब पंडित जब तुम्हें खुद कह रहा है तुम्हारे मुंह के आगे कह रहा है कि जब तुमने किया है सब कुछ, तो फिर कह रहा है सारे सबूत आपके खिलाफ है। मैंने कहा मैंने कंप्लेंट करी और तुम मेरे पे इल्जाम डाल रहे हो। मैंने कहा जब तक तेरे पास सबूत नहीं है, मैंने कहा मेरे को हाथ मत लगा के दिखा दियो। ऐसे कैसे हाथ लगा देगा, ऐसे कैसे हाथ लगा देगा मेरे से, ऐट हो मत। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जब तक मेरे पे कुछ प्रूफ नहीं करेगा ना तू, तब तक तू वो मत करियो। तो अब मेरे को ना उसको प्रूफ दिखाना है, तो प्रूफ वो लिखा तो था उन्होंने, नोट जो लिखा तो था उन्होंने वो वही पड़ी है वहीं पे ही। ये जो समर ने लिखा ना सुसाइड नोट उसको पढ़ा थोड़ी है मैंने अभी तक इसको। पुलिस वाले को फोन कर, उसको बोल ये रहा सबूत और ये सबूत देख, ये लो आप ही करो फोन। मैं कहां से हो गई, लो ना लो, तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। इतनी अकल तो होनी चाहिए पुलिस वाले को कि मतलब कि तेरे को इतना पता नहीं चल रहा कि किसने क्या किया है। अगर मैं ही गुनहगार होती तो मैं बुलाती क्यों नहीं। सही बात है, हम क्यों बुलाते फिर। हेलो सर, राधिका की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ पहचान लिया ना, तो सर मैं राधिका के घर हूँ समर के यहाँ पे। हाँ मैं आपको, आप मेरे पे उस दिन इल्जाम लगा रहे थे ना, तो मेरे पास सबूत है, आओ मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। हाँ ठीक है सर। मतलब शर्म नहीं है उनको बिल्कुल भी, सारा किया जरा खुद का था हो ना, फिर भी हो, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है। मतलब क्या चाहती क्या है वो, अब मतलब चाहती क्या, मैं आगे से मतलब मैं आगे से आके बोलूं तब अच्छा लगेगा उन्हें। मुझे ये लग रहा था इन लोगों ने पैसा देके खरीद लिया है, बिल्कुल पुलिस वालों उन्हीं के फेवर में बोल रहा था। कोई बात नहीं आ जा लो, आ रही हूँ सर। मम्मी खोल दो गेट, आ जाओ बैठ जाओ। सर आप उस दिन मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे ना कि मैंने ऐसे ऐसे करा। इल्जाम देखो मैं अपनी तरफ से थोड़े लगाऊंगा अपनी तरफ। अच्छा किस बात का इल्जाम लगा रहे हो आप, किस बात का इल्जाम लगा रहे हो? अच्छा पंडित है वो, तो हमें ही पता है पंडित है। इन्होंने ही मेरे को फोन करके, अच्छा तो मेरी हमें दिक्कत होगी तो हम भी तो फोन करेंगे ना। बात सुनिए आप, पंडित को इन्होंने मेरे को आपने फोन करा था, हां इनके कहने पे मैं आया। हां फिर इन्होंने बोला कि उसके साथ पूछताछ करो, मैंने वो भी करी, मैंने ये भी बोला। तो आप ये बताओ ना, पूछताछ में पंडित ने कहा क्या, क्या कहा पूछताछ में? देखो मैं जो उसने पूछताछ में पंडित ने मम्मी का नाम लिया मेरी, लिया ध्रुव की मम्मी। अच्छा ध्रुव की मम्मी, सॉरी अच्छा समर की मम्मी। तो समर की मम्मी ये है क्या, समर की मम्मी ये है? देखो मैं बताता हूँ, समर की सास, हाँ समर की सास भी थी और उसकी समर की सास नहीं मम्मी और गुनगुन, गुनगुन की सास का नाम लिया ना, अकेले में इनका नाम नहीं लिया, गुनगुन की सास का नाम लिया ना। या तो आपको समझने में भूल हो रही है, देखिए मेरे को कोई समझने में भूल नहीं। सर देखो उसने नाम लिया, जहाँ तक मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि पंडित ने नाम बोला है गुनगुन की मम्मी यानी कि उसकी सास और समर की मम्मी यानी कि समर की मम्मी ना कि मेरी मम्मी, ठीक है? ये तो पूरा इल्जाम मेरे पे लगा रहे। जब आप लोगों को नहीं, आप समर की सास तो है, समर की सास क्या, समर की मम्मी बोला था ना उस पंडित ने, तो समर की माँ हुई ना फिर, तो समर की माँ भी है, समर की सास भी है और गुनगुन भी है।
या तो इन्हें समझने में कम्प्लेन सुनने में गलती हुई है या तो पंडित की बोलने में गलती हुई है। ये देखो ये लो लो प्रूफ। चलो वो छोड़ो, सीधे बोले कि सारा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूफ चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। कभी बोल दिया लो सर, समन ने सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड नोट लिखा था ना उस बंदे ने, तो वो भी दिखा देती हूँ ना मैं आप लोगों को। लो लो, समन ने सुसाइड नोट में सबका नाम लिखा हुआ है, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ लिखा था, यही तो लिखा था, ये देखो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस बंदे ने जब यहाँ लिखा है आप लोगों को, तो हम झूठ थोड़ी बोलेंगे भाई, आप पढ़ो ना तसल्ली से, फिर आराम से तसल्ली से पढ़ो। इसमें समर की मम्मी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब बंदा परेशान हो रखा था ऐसे तो इल्जाम नहीं लगेगा, इल्जाम तो नहीं लगाएगा ना। बचाने के चक्कर में किसी तरह ये घर बच जाए, लड़का डिप्रेशन में जा रखा है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कंप्लेंट करी थी कि माँ और वो पंडित और वो ध्रुव सारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। या मैं पागल तो हूँ नहीं जो अपनी सास के ऊपर दिन दहाड़े ऐसे इल्जाम लगाऊंगी? अब वो वहाँ पे बैठी हुई क्यों रहती है, वहाँ पे यहाँ क्यों रहती, क्या हमने भेज रखा है? बहू का घर छोड़ के तो वहाँ बैठती है वो, जो बहू नहीं लगती उनकी, ये अच्छी नहीं लगती। भगवान ना करे समर को कुछ हो जाएगा कल को, तो अच्छा लगेगा उसको, वो यही चाहती है। मैं तो अपना बेटी का घर बचाने के चक्कर में कंप्लेंट कर रही हूँ। मैं देखो जो भी था पंडित के, जो कर रहा था पंडित कर रहा था साथ में आपके, जो भी साथ में आपके क्यों करेगा भाई, किडनैपिंग वगैरह जो भी कर रहा था पंडित ने करी थी, किसने करी थी? पंडित ने की, तो किसके कहने पे? कि ये भी तो देखो ना, देखो वो अब वो जो मुजरिम है वो मेरे पास सर, आपने मेरे को बुलाया था, अपनी मम्मी के पास गया था वो, वहां से किडनैप, वो तो हमारे यहाँ से नहीं हुआ था। एक मिनट रुको जरा, देखो ना इसमें क्या क्या लिखा हुआ, ये देखो ना क्या लिखा है, ये पीछे जो लिखा है, आप पीछे वाले पेज पे ये देखो ना, ये जो लिखा हुआ है, ये राइटिंग देख रहा हूँ पीछे से, समर ने इसमें कभी कुछ लिखा है इसमें भी? उनकी डायरी है ये, मैं दिखा देती हूँ, और भी कुछ लिखा हुआ है, कहाँ है ये देखो ना, ये देखो ना, जब बंदे की राइटिंग देख लो आप। मैं कैसे मान लूं, कैसे क्या मान लूं, वीडियो पड़ी है मेरे पास, आप क्या चाहते हो? मान लो समर की डायरी है, समर का ही पेज है, आप देखो ना राइटिंग मैच करो, आपको पता चल जाएगा समर की राइटिंग है किसकी है। हमें ये फालतू काम करने के लिए सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं, कभी किसी के ऊपर लगाऊं। अब बंदा अपने आप को बचाने के लिए बॉस कुछ कर देता है सर, मेरे को अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। चेंज करेगा, नंबर भी चेंज करेगा और इंसान भी चेंज करेगा। ऐसे काम करते नहीं है ना पंडित से, ना मेरा दूर दूर का लेना देना नहीं है, ना मैंने पंडित को कभी गई हूँ तो इनके झगड़ों में। सर तो आप सफाई क्यों दे रही हो इतनी, राधिका मेरे को अपनी सफाई क्यों दे रही हो आप इतनी? आपने पैसे खा रखे हैं क्या, जो आपको जो पता है आपको कि सिर्फ मेरी मम्मी ने ही किया है और हमने कंप्लेन की और आप हमारे ऊपर ही उठ के आ रहे हो? पैसे क्या खाऊंगा मेरे को, नहीं तो फिर आप बोल कैसे रहे हो, आप मेरे साथ भी बोल कैसे रहे हो, आपको सब चीज दिखा रहे हो, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो आप, कुछ भी समझ नहीं आ रही। इल्जाम लगा नहीं रहा मैं तो उनको, तो फिर जो भी है मेरी माया तो बोलूंगी नहीं क्या मैं, मम्मी हूं जिसमें मैंने बोलूंगी नहीं क्या मैं, मैंने एक तो बुलाया एक तो एक तो आपको हमने मैं अपनी तरफ से, मेरे को कोई शौक तो है नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही फंसाऊंगा, तो आपको शौक और शायद इसीलिए तो बोल रहा हूं आप सही फंसाऊंगा, तो आप तो ऐसे आपको तो आपको ये तो नहीं पता ना, उन्होंने मेरे को बुलाया कि ऐसे-ऐसे कर रहा है, ठीक है मैं उसको अरेस्ट कर गया, वो बोल नहीं रहता मैं तो, आप भी आप क्या कर रहे हो फिर, बहुत ज्यादा पिटा भी है वो, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, उसने जो बोला मैं उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ क्या बोला उसने, क्या खिलाफ क्या बोला उसने, जो हमारे सामने जो बोला हमने आपको बता दिया, इसलिए आपको हमने बुलाया, हमारे सामने जो बोला तभी तो उसे घर पे उसको लेके गए थे ना पंडित को। सर मैं आपको उस दिन बोल के आई थी ना, आपको मेरे को समर की मम्मी के ऊपर थोड़ा बहुत शक है, तो मेरे को क्यों लग रहा है कि आपको समर की मम्मी ने कुछ ना कुछ करके दिया है, तो आप मेरे खिलाफ हो गए हो, जबकि आपको सच का साथ देना चाहिए। आपको दिख रहा होगा या बात करने से पता चल रहा होगा कि मैं सच्ची हूँ और वो जो भी कर रही है ना तो वो सही नहीं है।